मैं सो के उठ गई हूँ और अभी देखिए ये सांड जा रहा है। यहाँ पे सांडों की संख्या बहुत है, बगीचे में ये घूमते ही रहते हैं, तो आप देख लीजिए सांड। मॉर्निंग एवरीवन, तो सुबह का बज रहा है 5:30 और मैं उठ गया आज काफ़ी सुबह। मैं उठ जाती, वैसे मम्मी इधर 4 बजे उठ जाती हैं, तो मैं भी उठ जा रही हूँ उस टाइम। और मैं प्रिशा के साथ वॉक पे जा रही हूँ, थोड़ा आगे जाऊँगी सड़क तक, उधर आगे तक, वहाँ तक जाऊँगी सड़क जो बनी सीधा अंदर तक, वहाँ प्रिशा को मैं टहला के आऊँगी। और आज का वेदर काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है आज। और आज अष्टमी है और गाँव में भी वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्पेशली। तो चलिए अभी मिलेंगे बाद में आप लोगों से। ली हूँ और पूजा वूजा मेरा हो गया है और ईशा का भी कपड़ा नहीं चेंज हुआ है, ईशा भी खेल रही है। तो आज फास्ट है, आज लास्ट डे है नवरात्रि का। गुड मॉर्निंग, मैं नहा के आ गई हूँ और गई हूँ। कल का वीडियो में थोड़ा सा शूट किया था ऐसे ही मॉर्निंग वॉक वगैरह का, और अभी मैंने नहा लिया है तो मैं जा रही हूँ नाश्ता करूँगी, कुछ खाऊँगी, मैंने खाया नहीं है अभी। और एक स्वाति जी ने कहा था कि आप ब्लॉग यहाँ का शेयर करिए फिर गाँव का, तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ और फिर आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, ये धान का पौधा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी ग्रीनरी, गाँव बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं ब्रेकफास्ट करके आप लोगों से मिलती हूँ, फिर बातें करेंगे आपसे। ब्लॉग इसलिए नहीं आया था क्योंकि मेरा और प्रिशा दोनों का तबीयत ख़राब था, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई, घर आ गई हूँ। और मेरा बीपी लो हो गया था और प्रिशा को एलर्जी हो गई थी पूरी बॉडी में, उसके पूरे कान में ऐसे रेडनेस सा हो गया था पूरा, उस खुजलाता था। तो मैं वहीं पे उसको स्किन के डॉक्टर को दिखा के मतलब दवा लेके आई थी और अभी वो काफ़ी ठीक है, कल से तो एकदम सही है। परसों थोड़ा उसको प्रॉब्लम था, कल से ठीक है। तो कल हमारा अष्टमी का व्रत था तो हम घर गए थे, गांव वाले घर, उधर से रास्ता है जाने का, गांव अंदर जाने का, तो मैं वहां का भी ब्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी।